ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਇਟਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਸੱਜੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਲਾਂਦੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और आज का एपिसोड रैंडम और बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे अब्बा जी मेरे साथ हैं। जब मैंने ग्रिप ऑन ट्रिप स्टार्ट किया था तो हम लोग पेशावर गए थे, उसमें अबू मेरे साथ थे और हमने खाए थे तारो जब्बा से चपली कबाब। और अबू जी और की खाता थी वाला श्री पावे खाते सन वाजवा। तो आज हम लोग एक काम से घर वापस जा रहे थे तो घर में मुझे पता चला कि जी जो खाने की जो चीज़ बनी है वो कोई उतनी मुझे पसंद नहीं आई। तो मेन्यू है आज, अबू जी आज की खाना फिर आज दुम्बा खाना है। आज दुम्बा खाना है, इलियास का दुम्बा। ठीक हो गया जी, इलियास का दुम्बा हम खा रहे हैं बचपन से ही। ठीक है, तो अबा जी को भी बड़ा पसंद है। इधर जावेंगे तो मनाली पाकिस्तान। ठीक है, सीधा लारी अड्डे लेफ्ट टर्न हो गए सीधा अपना सब्जी मंडी। ट्रक अड्डा जाना है हमने सब्जी मंडी। लाहौर का मशहूर तरीन दुम्बा है जी, इलियास दुम्बा कड़ा ही। पूरे लाहौर में इसके नाम के बहुत ज़्यादा होटल हैं लेकिन अब्बा जी कहते हैं नहीं उसी उतों जाके खाना है। तो चलिए फिर, चलिए। ओके, आइयो फिर। आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है और मैं जा रहा हूं अब्बा जी की ख्वाहिश के मुताबिक इलियास दुम्बा कड़ाही खाने और लारी अड्डे की तरफ से सब्जी मंडी पहुंचेंगे। पाकिस्तान में और खसूसन लाहौर में हर जगह इस नाम के होटल मौजूद हैं, जबकि इनका कहना है कि हमारी इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं। पहले इस होटल का मेन्यू लिमिटेड था लेकिन अब नमकीन रोश, मसाला रोश और काबली पुलाव भी मिलता है जी। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ इलियास दुम्बा कड़ाही पे, जहाँ पे आज संडे है लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। ऐसा है कि इनके कुछ वर्क स्टेशन जहाँ पे कुकिंग होती है दुकान से बाहर हैं, कुछ दुकान के अंदर हैं हॉल में, और यहाँ पे लेडीज़ के लिए जो है वो फैमिली हॉल भी है, आपका आउटडोर हॉल भी है और इंडोर हॉल भी है, और छत पे भी आप बैठ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है इनका। बहुत कम दुकानें ऐसी होती हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से गोश्त बनवाएं, आप अपनी मर्ज़ी से ही गोश्त कटवाएं और फिर खड़े होकर अपनी मर्ज़ी से सारा प्रोसेस देख सकते हैं। नॉर्मली लोग इस चीज़ का, रेस्टोरेंट जो ऑनर है वो इस चीज़ को थोड़ा सा मना भी करते हैं, लेकिन इनका सब सारा किचन ओपन है और गोश्त भी आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर टिक्के हैं, टिक्के में भी दो तीन किस्में हैं, एक पट्टा टिक्का है और एक जो दूसरा टिक्का होता है नमक वाला, नमकीन टिक्का। उसमें कढ़ाई की दो किस्में हैं, एक है जी सुलेमानी कढ़ाई और दूसरी है जी सिंपल मकबूले। दूसरी कड़ी कढ़ाई है मसाले वाली शनवारी कढ़ाई और सलमानी कढ़ाई, दो कढ़ाई हैं, वो मसाले की होती है और सलमानी में मसाला नहीं होता, उसमें टमाटर भी नहीं डलते। और साथ अब इन्होंने रोश भी स्टार्ट कर दिया है मसाले वाला और मसाले के बगैर। और टिक्कों के स्टेशन पर क्या बन रहा है, वहाँ पर पट्टा टिक्का अगर चल रहा है तो उसकी भी चेक करते हैं। मैंने पहली दफ़ा सुना, मैंने कभी देखा भी नहीं है। अंदर भी काफ़ी, और हम अपना ऑर्डर वहाँ पे देंगे जहाँ पे रश कम होगा, क्योंकि इस दुकान में अगर आप आ जाते हैं तो वीकेंड्स पे तो आपको डेढ़ घंटे से ज़्यादा के वक्त लग जाता है। तो अपना ऑर्डर वहाँ पे देंगे जहाँ पे ज़रा रश कम हो और हम अपनी वीडियो भी बना सकें। तो चलते हैं। वैसे इनकी सबसे फेमस डिश शनवारी और सुलमानी कढ़ाही है। मैंने एक किलो शनवारी कढ़ाही और एक किलो चाँप टिक्का ऑर्डर दिया है, और पहला मरहला गोश्त की सिलेक्शन है जिसमें मैंने बकरे की मछली का इंतखाब किया है। टिक्के बनाने की रेसिपी इंतहाई सादा है। इन टिक्कों को हल्की आंच पर नमक लगाकर बनाया जाता है। लेकिन इसका असल सीक्रेट टिक्के को इतना टेंडर बना लेना है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। इतने सादे तरीके से इतना कमाल का टिक्का बनाना भी लाजवाब है।
पट्टा तिक्का कलेजी का तिक्का होता है, जिसे दुम्बे की चर्बी में रोल करके कोयलों पर भुना जाता है। इस तिक्के में भी सिर्फ नमक ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मैं जब भी गोश्तखोरी करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा कोयटा या पेशावर याद आता है, और कोयटा का मेरा एपिसोड आपने देखा भी था। तो भाई यहाँ पे आए हुए हैं, बलूचिस्तान से ही आए हुए हैं, कोयटा से ही, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अभी खा लिया खाना आपने? जी, फर्स्ट टाइम खा रहे, ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, जब आएंगे खाएंगे तो फिर शायद पता चलेगा। ये बेसिकली क्वेटा से आए हुए हैं। अच्छा, तो इसको आज अलियास ट्रकाड़े कढ़ाई पे हमने इसको इनवाइट किया है, तो इंशाल्लाह ये टेस्ट देख लेगा कैसा है। मैंने इनको कहा कि ये बहुत फेमस कढ़ाई बनाता है, इन्होंने सिर्फ क्वेटा से कहे या इस्लामाबाद वगैरह से? तो माशाल्लाह क्वेटे भी आप आए हुए हैं जी, तो क्वेटा में बलोची डिश और कढ़ी कबाब और हमारी मशहूर वो लांदी का गोश्त है, लांदी लोग जानते होंगे, लांदी का गोश्त वो मैंने भी खुश करके और फिर इस पे नमक या मसाले वगैरह लगा के फिर खुश्क हो जाती है। अच्छा, फिर माइनस 5 या माइनस 10 तक भी चलती है। जबरदस्त, वो खा ले। इंशाल्लाह बता रहे हैं लांडी का गोश्त वो खाऊंगा, वैसे मैंने खाए हैं। तो भाईजान जरा आज बलोचिस्तान तो है ने मेहमान ते हैं, लोर दी इज्जत दा सवाल है। अज चंगा बनाना है किस्मत साहब, ए प्राण साडे ना ओ इंशाल्लाह कोयटा आएगा ते असी उन्हें बलोची सजी खवावेंगे, लांदी खवावेंगे इंशाल्लाह। तुसी फिकर ना करे, साडा भरा है, बड़ी मेहरबानी सब। थैंक यू। कढ़ाही रेसिपी में गोश्त में नमक डालकर 20 से 25 मिनट तक पानी में उबाला जाता है। फिर पानी को अलहदा करके इसमें घी ऐड करके थोड़ा भुना जाता है। अदरक थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर मिला के 10 मिनट तक पकाया जाता है। अब ये जो कुकिंग इनका देख रहे हैं ऑपरेटर्स, इसमें जो राइट साइड पे इसका राइट साइड पे जो शेफ खड़ा है, ये जो पानी डाल रहा है, ये गोश्त को लेता है, इसमें गर्म पानी डालता है, नमक मिक्स करता है और उसको उबलने के लिए रख देता है। और जब वो हाफ बॉयल हो जाता है तो उसके बाद ये वाली जो कढ़ाई है ये शिफ्ट कर दी जाती है लेफ्ट साइड पर। ये जो भाई लगे हुए हैं लेफ्ट साइड पर, ये फिर इसमें मसाला करते हैं, और ये सीनियर हैं, और ये इसमें मसाला डालते हैं, घी वगैरह देखते हैं, और उसका सारा जो निज़ाम है वो इनके हाथ में है। तो बेसिकली एक वर्क स्टेशन के ऊपर दो लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी अबा जी, कह रहे नहीं कि 5 मिनट है, 5 मिनट में भुख बोते नहीं है। टिक्के बन गए ने, लेकिन उन्होंने क्या यार कढ़ाई के नाल ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, कोई गल नहीं, ख्याल है। तुम रायता साहब खाओ ना, और भुख लगेगी फिर मैं आना वेख के। कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले सब अज्जा काफ़ी बड़ी मकदार में काट कर पहले से रखे होते हैं। जैसे टिक्के रेडी किए हैं तो वो मैंने मंगवा लिए, कढ़ाई में 10 से 12 मिनट रहते हैं, तो उतनी देर में हम टिक्के खा लेंगे। और अबा जी कैसे ने टिक्के? बहुत मज़ेदार। ज़्यादा सख्त नहीं है? सख्त ज़रा गोश्त होगा तो वो मुझे भी प्रॉब्लम करता है, अबा जी को भी, और वैसे भी रात को आ गए हैं तो ये ज़रा ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर स्पेशल मैंने कहा था कि ज़रा टेंडर रखे, नरम रखे, तो मैं खुद भी चेक करता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 से 1.25 घंटा लगता है, और आखिर में काली मिर्चें ऐड कर दी जाती हैं।
कुछ अर्सा पहले रोश भी मेन्यू में ऐड किया गया है और यहाँ दो तरह के रोश बनाए जाते हैं, पहला मसाले वाला रोश और दूसरा यखनी वाला रोश। यह मसाले वाला रोश है जिसमें गोश्त प्रेशर कुकर में पकाया जाता है जबकि इसका मसाला अलहदा तैयार किया जाता है। वैसे ओपन किचन वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने की मेरी टिप ये है कि जो शेफ़ आपकी कढ़ाई बना रहा हो उसे पहले 100-200 रुपया इनाम में दे दें। मेरा यही तजुर्बा रहा है कि फिर वो आपकी कढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करता है और क्वालिटी में कोई कमी बेशी का खदशा भी निकल जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नहायत शानदार कढ़ाई है और यहाँ की सब आइटम्स 2200 रुपये किलो में ही मिलती हैं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और अगर आप $1 बजट में खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और अगर पाकिस्तान की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट बंस रोड का दौरा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।